नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार खुद प्राची को धमकी देती हुई नजर आने वाली है रिया। और रिया की बात की जाए तो रिया और आलिया दोनों फूफी भतीजी जो कि प्राची के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने की फिराक कर रही हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि रिया और आलिया किसी भी हद तक जा सकती हैं और वो वाकई में चोट पहुंचाने में भी नंबर वन है, क्योंकि इस समय रिया और आलिया प्राची को इस घर से निकालने के लिए जो प्लानिंग बना रही हैं कि पूजा के तुरंत बाद प्राची को हम इस घर से बाहर कर देंगे, इस तरीका से दोनों प्लानिंग बनाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन दोस्तों वो भूल चुकी हैं कि असली रिपोर्ट आना बाकी है और जल्दी ही इस घर में एक बार फिर असली रिपोर्ट आती हुई नजर आने वाली है। असली रिपोर्ट में खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार प्राची पर क्यों भारी पड़ने वाली हैं और प्राची इन पर क्यों भारी पड़ेगी, क्योंकि ये तो ही सोच रही हैं कि पूजा के बाद में तुरंत ही पूजा के बाद में तुरंत ही प्राची और सेठ की शादी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इधर प्राची जानती हैं कि जहां पर रिया की फेक प्रेगनेंसी जो इसने घर में साबित कर रखी है उसकी असली रिपोर्ट घर में आने जा रही है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में एक बार फिर से जबरदस्त ट्विस्ट, जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से लगातार रणबीर बोलता हुआ नज़र आ रहा है सेड से कि सेड जितना हो सके इतना मेरे से दूर रहो। जी हाँ, क्योंकि सेड की और इस समय रणबीर के एक दूसरे के साथ में बिल्कुल भी नहीं बन रही है, और सेड से ये भी बोलेगा रणबीर कि सेड जितना हो सके इतना प्राची से दूर रहो, क्योंकि अभी तुम्हारी शादी हुई नहीं है और वो मेरी अभी भी वाइफ है, तो इसलिए मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ कि तुम प्राची से जितना हो सके इतने आपको दूर रखो, उससे पहले मेरा हाथ तुम पर उड़ जाए उस चीज़ में क्या फ़ायदा है। साथ ही दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो आखिर कैसे लग रही है। गाइस थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना प्यार, इतना सपोर्ट किया है दिल से।